जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोठारी इंस्टीट्यूट। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। उसे शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, जोकर, चेरनोबिल, 1917। इसका सही जवाब है 1917। गोल्डन ग्लोब 2020 कार्यक्रम कैलिफोर्निया शहर के बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया है। पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 1917 को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोकर फिल्म के लिए जॉनकिन फोनिक्स को दिया गया। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वर्ष 1944 में दिया गया था। इस बार इस पुरस्कार का 77th संस्करण का आयोजन किया गया है। ऑस्कर अवार्ड के बाद दुनिया का यह दूसरे नंबर का फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलते तो अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना? ऑप्शन है लियो कार्टर, जॉन मॉरिसन, बैरी हेडली, जियोफ होवर्थ। तो इसका सही जवाब है लियो कार्टर। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने हाल ही में एक ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। वे ऐसा करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं। कार्टर के अतिरिक्त वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री और युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटली और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई ने भी एक कीर्तिमान हासिल किया है। युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 4 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को लुई ब्रेल के जन्म दिवस के आधार पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। लुई ब्रेल जब 3 वर्ष के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी थी वो चली गई। उसके बाद उन्होंने दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय ऑलराउंडर ने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, पृथ्वी शॉ। इसका राइट आंसर है इरफान पठान। इरफान पठान ने 19 साल की उम्र में ही 2003 में टीम इंडिया में पदार्पण किया था। उन्होंने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वे 2007 में T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। उन्होंने भारत के लिए अंतिम टेस्ट 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और अंतिम ODI अगस्त 2012 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा कितने मीडिया संस्थानों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई? ऑप्शन है 30, 35, 40, 45। तो इसका राइट आंसर है 30। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 30 मीडिया संस्थानों को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत अखबारों में योग दिवस के सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज श्रेणी के तहत 11 पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि 8 पुरस्कार टेलीविजन पर योग दिवस के सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज के लिए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 21 जून 2015 को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उस ईरानी जनरल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन के मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया? ऑप्शन है जनरल आबिद कयूम, जनरल कासिम सुलेमानी, जनरल अयूब जहां, जनरल रफीक कियानी। तो उसका राइट आंसर है जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC के मुखिया जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका द्वारा बगदाद में ड्रोन हमले में शिकार बनाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जनरल सुलेमानी पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों के प्रमुख रणनीतिकार थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमैनी ने जनरल सुलेमानी की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गनी को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का नया कमांडर नियुक्त किया है। गनी अभी तक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर थे। वर्ष 1979 में ईरान में क्रांति आती है और उसी के बाद जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का गठन किया जाता है। 2007 में कासिम सुलेमानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का हेड बना था। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ईरान में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामनी नमक हेल्पलाइन लॉन्च की गई? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC द्वारा सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दामनी नामक हेल्पलाइन जारी की गई। इस हेल्पलाइन का नंबर है 8114277777। इस हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। राज्य सरकार का कहना है कि यह सेवा केंद्र सरकार की निर्भय योजना का ही भाग है और इस पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश में कुल 80 जिले हैं और ये 9 प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलते अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस दिन सावित्री बाई फुले की 189वीं जयंती मनाएगी? ऑप्शन है 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020 या 4 जनवरी 2020। तो इसका राइट आंसर है 3 जनवरी 2020। सावित्री बाई फुले को उनकी उपलब्धियों के कारण जाना जाता है। वे भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्या हैं। सावित्री बाई फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। सावित्री बाई फुले को भारत की प्रथम आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। उनका विवाह समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हुआ था, जिन्हें प्यार से ज्योतिबा भी कहते हैं। चलते अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पी देसाई, आर रामानुजन, देविका सुंदरन, कलराज मजूमदार। तो इसका राइट आंसर है आर रामानुजम। कंप्यूटर वैज्ञानिक आर रामानुजम को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा की गई थी। इसे प्रत्येक 3 वर्ष बाद दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में विज्ञान का प्रसार करना और लोगों को वैज्ञानिक जागृति लाना भी है। रामानुजन से पूर्व जी वेंकट रमन और जयंत विष्णु नीलकर को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। चलते आज के आखिरी सवाल की ओर, उमारो सिसोको निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है मेक्सिको, घाना, पेरू या गिनी बिसाऊ। तो इसका राइट आंसर है गिनी बिसाऊ। पूर्व प्रधानमंत्री व सैन्य जनरल उमारो सिसोको एम्बालो को हाल ही में गिनी बिसाऊ का राष्ट्रपति चुना गया है। वे जोसे मारियो वॉस का स्थान लेंगे। एम्बालो वर्ष 2016 से 18 के दौरान राष्ट्रपति जोसे मारियो वॉस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। गिनी बिसाऊ एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो वर्ष 1974 में पुर्तगाल से आजाद हुआ था। यहाँ की मुद्रा सीएफए फ्रैंक की, और भी हाल ही में गिनी बिसाऊ और 7 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने मिलकर इको नाम की एक मुद्रा को अपनाने पर सहमति जताई है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का ऑडियो सेशन। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।